तो आप जो मेरे पीछे बिल्डिंग देख रहे हैं, ये हॉस्पिटल सब डिवीजन गुंदो की बिल्डिंग है और शायद चिनाब वैली के अंदर सबसे बड़ी बिल्डिंग है। मकसद ये बिल्डिंग दिखाने का नहीं है, मकसद आप जो दो एम्बुलेंस देख रहे हैं वहां पे, वो सरकार की तरफ से दी गई है आम लोगों के लिए। 108 पे आपने कॉल करनी है और कोई भी इमरजेंसी हो, चाहे प्रेग्नेंट लेडी हो या फिर कोई भी इंसिडेंट हुआ हो, कोई भी एक्सीडेंट हुआ हो, तो 108 पे आप कॉल करेंगे और एम्बुलेंस जो है आपके लिए फ्री अवेलेबल होगी, यानी फ्री सर्विस 108। सरकार ने आम लोगों के लिए एम्बुलेंस यहाँ पे अवेलेबल की है, आम लोगों के लिए, आम लोगों को ज्यादा तकलीफ ना हो। कोई बेचारा गरीब होता है या प्रेग्नेंट लेडी होती है, उसके पास किराया नहीं होता है आने जाने के, या टाइम पे गाड़ी नहीं मिलती है, तो सरकार की तरफ से एक एम्बुलेंस यहाँ पे अवेलेबल दस्तियाब की है। 108 पे आपने कॉल करना है और एम्बुलेंस जो है वो आपके लिए अवेलेबल होगी। पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर 108 पे आपके लिए एम्बुलेंस सरकार की तरफ से फ्री है। और चिनाब वैली के अंदर भलेसा की अगर मैं बात करूं तो सब डिवीजन गुंदो के अंदर भी ये एम्बुलेंस जो है ये अवेलेबल फ्री है, लेकिन आम लोगों को पता नहीं है। मैं फिर से आपको बता दूं, 108 पे आप लोग कॉल करें, कोई भी इमरजेंसी हो, चाहे प्रेग्नेंट लेडी हो या फिर कोई भी एक्सीडेंट हो, तो आप लोग जो 108 पे कॉल करें और आपके लिए जो है एम्बुलेंस अवेलेबल फ्री होगी। बहुत सारे लोग जो भलेसा के अंदर हैं इस चीज़ से वाकिफ नहीं है। ना आपको ड्राइवर को खर्चा देना है, ना आपने पेट्रोल या डीजल का कोई खर्चा देना है, बल्कि फ्री। और दो जो ऑफिशियल्स हैं वो एम्बुलेंस में मौजूद होंगे कोई भी इमरजेंसी अगर होगी, लेकिन भलेसा के लोग जो हैं वो इस चीज़ से वाकिफ नहीं है। इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि आप लोगों तक ये मैसेज पहुंचाऊं, ताकि आप लोग अवेयर हो जाएं, अपने जो आपका राइट है वो आप ले सके। 108 याद रखिए, 108 पे आपने कॉल करनी है। ये जो हॉस्पिटल के अंदर जो एम्बुलेंस 108 की एम्बुलेंस लगी हुई है वो आपके लिए बिल्कुल फ्री है और आपके लिए दस्तयाब होगी। 108 पे आप कॉल करें और इस वीडियो को शेयर करें, ताकि बहुत सारे लोग इस मैसेज से, इस खबर से वाकिफ हो जाएं कि सब डिवीजन गुंदो के अंदर एक एम्बुलेंस है जो 108 पे आपके लिए अवेलेबल होगी, फ्री अवेलेबल होगी, कोई खर्चा नहीं देना है। प्रेग्नेंट लेडी है, उसको एम्बुलेंस जो है वो घर तक लेने भी जाएगी।